पश्चिम बंगाल की चुनावी गर्माहट के बीच अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर भी 4 दिन के दौरे पर बंगाल जा रहे हैं। आयोग अपने 3 दिन के दौरे पर बंगाल में ममता सरकार में दलितों पर हुए अत्याचारों और हिंसक घटनाओं की जानकारी जुटाएगा। जानकारी के मुताबिक अरुण हल्दर फरवरी में संदेश कली और मथुरारपुर में हुई हिंसा से पीड़ित दलित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। हल्दर के इस दौरे से बंगाल में ममता राज में दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा सकती है। जापान के तोचिगे से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां जंगल से घिरी पहाड़ियां लपटों में सुलगती दिखाई। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने आसपास के मकानों को खाली करने के आदेश दिए। 3 दिन पहले लगी इस आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, जिसके लिए वहां के प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि बेहद कम वक्त में आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुलगते जंगल से काले धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया, जिसने पूरे इलाके को अपने अंदर ढक लिया। इस बीच आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी रहीं। आग बुझाने के लिए कई हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई, जो आसमान से लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। इन सब के बावजूद आग से निपटने की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती दिखी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में तो एक मकान आग के शोलों में धधकता नजर आया। आग के घनी आबादी वाले इलाके की तरफ बढ़ने से हालात गंभीर हो गए। खतरे को देखते हुए दमकल की कई गाड़ियों को रिहायशी इलाकों के आसपास खड़ा कर दिया गया। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,807 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 80 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में ही 1,167 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 लोगों की जान गई है। नागपुर में भी 1,181 नए मामले मिले हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए लातूर में प्रशासन ने 27 और 28 फरवरी को जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मुंबई नगर निगम BMC ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए उनसे सड़कों की सफाई करवाना शुरू कर दिया। मुंबई में बिना मास्क के घूमने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लागू है, लेकिन जो इसे देने में आनाकानी करते हैं उनके लिए BMC ने नई तरकीब निकाली और ऐसे लोगों से सड़कों की सफाई करवाना शुरू कर दिया, ताकि वो दोबारा घर से बिना मास्क के निकलने से पहले 100 बार सोचें। मुंबई की मशहूर जूहू चौपाटी से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें BMC के मार्शल बिना मास्क के घूम रहे लोगों से कचरा उठवाते नजर आए। मास्क लगाना कंपलसरी, आपको पता नहीं है, इसका सजा है उसका, ये कचरा उठाइए। बीच पर तैनात एक मार्शल ने बताया कि जो लोग जुर्माना भरने में नानोकुर करते हैं, उनसे सजा के तौर पर बीच की सफाई करवाई जाती है। अगर बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है फाइन भरने का, तो हम उनसे साफ सफाई करवाते हैं। इस दौरान जो लोग बिना मास्क के पकड़े गए, उन्होंने अपनी भूल सुधारने का वादा किया, जबकि कुछ अपनी गलती मानने के बजाय झगड़े पर उतर आए। हालांकि मार्शल की निगाह से कोई भी बच नहीं सका और उन्होंने लोगों को पकड़ कर उनसे बीच की सफाई करवाई। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बजट में महिलाओं और किसानों को कई तोहफे दिए। न्यूज 18 की भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि राजस्थान सरकार ने बजट में महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का ऐलान किया और किसानों की कर्ज माफी के लिए बहुत जल्द वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने की भी घोषणा की। इसके अलावा किसानों और पशुपालकों को बिना ब्याज के 16,000 करोड़ का लोन देने का ऐलान भी राजस्थान सरकार के बजट में किया गया। साथ ही अगले साल से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। केरल में दिए बयान पर BJP ने राहुल गांधी को घेर लिया। उत्तर भारत के लोगों की समझ को सतही बताने वाले बयान पर राहुल गांधी पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। इस बयान के बहाने केंद्रीय मंत्री और यूपी के अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने उन पर निशाना साधा। एहसान फरामोश है राहुल गांधी, देश से इतनी नफरत है तो देश की राजनीति क्यों करते हैं, ये मुझे नहीं समझ आता। केरल के तिरुवनंतपुरम में दिए राहुल गांधी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने भी आपत्ति जताई। इसी तरह के बयानों से ही कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है। राहुल गांधी पर हमले बढ़े तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सामने आए और BJP को घेरा। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि पिछले साल कोरोना की वजह से जिनकी परीक्षा छूट गई थी, उन्हें अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इससे पहले कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कोरोना की वजह से आई दिक्कतों की दलील दी गई थी। मशहूर पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर का कोरोना की वजह से निधन हो गया। उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। CM अमरिंदर सिंह और हरभजन सिंह समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया।
राजस्थान के बाड़मेर में कुछ बदमाशों ने दौलत सिंह नाम के आरएसएस कार्यकर्ता पर चाकुओं से हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वो राम मंदिर के लिए चंदा जुटा रहा था, जिसकी वजह से उसे निशाना बनाया गया। हालांकि पुलिस ने इसे आपसी रंजिश में किया गया हमला बताया। आज इसके साथ चकबाजी की घटना हुई। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर जारी कर दिया गया। निर्देशक संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। ये फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हैदराबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार अचानक कार का दरवाजा खुलने से सड़क पर गिर गया। बताया गया कि इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आई, क्योंकि मोटरसाइकिल पर सवार उस आदमी ने हेलमेट भी नहीं पहना था। एक दिन पहले हुए इस हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसमें साफ दिखा कि सड़क किनारे खड़ी कार में बैठे शख्स ने ट्रैफिक का अंदाजा लिए बिना गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उसकी इस लापरवाही की वजह से तेज रफ्तार में पीछे की तरफ से आ रहा मोटरसाइकिल सवार सड़क पर दूर जाकर गिरा। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की 3 जेलों में कैदियों के बीच भीषण गैंग वॉर हुई, जिसमें 75 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि आपसी रंजिश की वजह से ये हालात बने, और वहां के क्वेंका शहर से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कुछ कैदी जेल की छत पर चढ़कर हंगामा भी करते दिखे। उन सभी ने अपने चेहरों को कपड़े से ढका था ताकि पुलिस उनकी पहचान न कर सके। इक्वाडोर के सबसे बड़े शहर गुआयाकिल की एक जेल से तो धुआं उठता दिखाई दिया। बताया गया कि झड़पें शुरू होने के बाद से ही सभी जेलों में भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया था। अंदर के हालात का जायजा लेने के लिए कई हेलीकॉप्टर भी गश्त पर लगाए गए, लेकिन इस सब के बावजूद 75 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दंगों की जानकारी जैसे ही कैदियों के परिवारों को मिली, वो वहां पहुंच गए। अपनों को खोने के बाद लोग वहां रोते बिलखते नजर आए। हालांकि सरकार ने 75 कैदियों के मरने की खबर को सरासर गलत बताया, लेकिन ये माना कि दंगों में बड़े पैमाने पर कैदियों की जाने गई। साथ ही ये दावा भी किया गया कि हालात अब काबू में हैं और जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इस घटना में कई कैदी घायल भी हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मामले पर यूपी और पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने आ गई। न्यूज 18 के एहतिशाम खान की रिपोर्ट है कि 1 मिनट की सुनवाई के समय इस केस को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, और यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा और दोनों राज्य सरकारों के आपस में लड़ने पर हैरानी जताई। साथ ही उन्होंने तंज किया कि अगर मुख्तार इतने ही महत्वपूर्ण हैं तो उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते, जिसके बाद सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया। लेकिन इससे पहले यूपी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की, क्योंकि मुख्तार अंसारी अभी पंजाब की रोपड़ जेल में हत्या के एक मामले में बंद है। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का एक हिस्सा होगा। कभी मोटेरा के नाम से मशहूर इस स्टेडियम की कायापलट का काम 2014 में शुरू हुआ, जिसे 236 एकड़ में फैले बेहद आधुनिक स्पोर्ट्स एन्क्लेव में बदला गया। स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन करने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। मंत्रोच्चार के साथ पंडितों ने भूमि पूजन करवाया। फिर शुरू हुआ क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन का कार्यक्रम। उद्घाटन के डिजिटल बोर्ड पर नाम पढ़कर ही सबको ये पता चला कि स्टेडियम का नया नाम दिया गया है। वो स्टेडियम जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना माना जाता है, उसे उन्हीं के नाम पर जाना जाएगा। न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। उद्घाटन के कार्यक्रम में राष्ट्रपति और गृह मंत्री के अलावा खेल मंत्री किरेन रिजिजू और गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ उद्घाटन कार्यक्रम के फौरन बाद स्पोर्ट्स एन्क्लेव के बाहर लगा बोर्ड भी बदल गया। एक नया बोर्ड लगाया गया, जिसमें ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और नीचे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लिखा गया। पीएम ने एक वेबिनार में एक बार फिर निजी क्षेत्र का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने निजीकरण से होने वाले फायदे गिनाते हुए अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मोनेटाइज और मॉडर्नाइज। जब सरकार मोनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है,
प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है, इससे चीजें और मॉडर्नाइज होती हैं, पूरे सेक्टर में आधुनिकता आती है, सेक्टर का तेजी से विस्तार होता है और जॉब के नए अवसर भी पैदा होते हैं। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के हुगली में सीएम ममता बनर्जी ने एक जनसभा की। इस जनसभा में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी और बांग्ला अभिनेत्री साइनी घोष ने टीएमसी का दामन थाम लिया। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जयंती पर चेन्नई में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम ई पलनीसामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा और जयललिता को याद किया। उत्तर दिल्ली के रूपनगर में ई रिक्शा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। कई लोगों ने पुलिस में शिकायत की और आरोप लगाया कि उनसे 8,000 रुपए जमा करवाए गए और बाकी रुपए किस्तों में देने के लिए कहा गया, लेकिन पैसे लेने के बाद ये गिरोह अपने दफ्तर से फरार है। 8,000 रुपया दे दिया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 10 किलो विस्फोटक बरामद किया। नक्सल प्रभावित इस इलाके में ये विस्फोटक जमीन के अंदर रखा गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। महंगाई के विरोध में कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। इनका अहंकार है कि जनता की मांग के बावजूद पेट्रोल के दाम में भी और डीजल के दाम में भी ये लोग टैक्स कम नहीं कर रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने भी सफाई पेश की और पेट्रोल डीजल की कीमतों का ठीकरा कोरोना पर फोड़ दिया। अनेक ऐसे खर्च पड़े हैं जो कोरोना की सारी व्यवस्था को लेकर, इसमें ऐसी स्थिति में अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं बढ़ेगा। शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश कर सकती है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया और लिखा कि पुदुचेरी के बाद उसकी नजर महाराष्ट्र पर है। सामना में आरोप लगाया गया कि मार्च और अप्रैल के महीने में बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू करने की फिराक में है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगी। यही नहीं, शिवसेना ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र सरकार को गिराना नामुमकिन है और सामना में लिखा कि जैसे बीजेपी के लिए दिल्ली बहुत दूर है, उसी तरह से उसके लिए महाराष्ट्र भी काफी दूर है, क्योंकि जो उठापटक पुदुचेरी में हुई वो महाराष्ट्र में नहीं होगी और महाविकास आघाड़ी सरकार मजबूती से काम करेगी। पुदुचेरी और महाराष्ट्र में बहुत फर्क है, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोके जाने पर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। वहां बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं के साथ रैली की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोक दिया। इस कार्रवाई से बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह भड़क गए, उन्होंने बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ता तो पुलिस से ही भिड़ गए। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पार कर पैदल ही आगे बढ़ने लगे, लेकिन वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें लाठी लेकर दौड़ा दी। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय भी रैली में शामिल कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। इस दौरान वहां जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इसी तरह कोलकाता में भी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रास्ते में मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं को झाड़ू दिखाया, जिसके बाद दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी दिखाई दे रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 200 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 22 जनवरी को भी दिल्ली में कोरोना के 266 नए मरीज मिले थे। दिल्ली में समय कोरोना के 1,137 एक्टिव मामले हैं, जबकि 115 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक लोगों का टेस्ट भी किया गया। अमेरिका के टेक्सस से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक रेलवे क्रॉसिंग पर एक मालगाड़ी और एक ट्रक के बीच हुई टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त मालगाड़ी में कोयला और तेल लदा था और जैसे ही मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर हुई, वहां जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर से ही आसमान में आग के गोले बनते दिखाई दिए, जिन्हें देख वहां से गुजर रहे लोग डर गए। हादसे वाली जगह से उठ रहे काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। धुएं के साथ आग की लपटें भी कई फीट ऊपर तक उठती नजर आईं। घटना के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं।
खौफ के इस मंजर के बीच कई गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। यही नहीं, खतरनाक लपटों ने आसपास के पेड़ पौधों को भी जलाना शुरू कर दिया। भीषण आग वहां के कई मकानों तक पहुंच गई, जिसके बाद खतरे को देखते हुए उन्हें तुरंत खाली करवा लिया। खबर है कि राहुल गांधी के उत्तर भारत के लोगों की समझ को सतही बताने वाले बयान पर कांग्रेस के कुछ नेता खफा हैं। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में दिए गए राहुल गांधी के बयान से खफा बताए जा रहे कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई। पता चला कि ये बैठक गुलाम नबी आजाद के घर हुई, जिसमें आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता शामिल हुए। खबर है कि इस बैठक में शामिल नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर असहमति जताई और उनसे स्थिति साफ करने की अपील की, ताकि बयान पर भ्रम न फैले और दूसरी पार्टियां इसका राजनीतिक फायदा न उठा पाएं। राहुल गांधी जी हैड मेड एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम व्हाट आई गैदर, परहैप्स शेयरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही हैज मेड दैट ऑब्जर्वेशन, सोली ही कैन क्लेरिफाई दैट। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चुनाव आयोग की बैठक हुई। दिल्ली में चुनाव आयोग की एक बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल और केरल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत की गई। चुनाव आयोग ने यह तो तय कर लिया है कि किस राज्य में कितने चरण में चुनाव कराए जाएं। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली की दरें घटाने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खाद्य विभाग ने करीब 1700 किलो मावा जब्त किया। आशंका है कि इसमें मिलावट की गई थी। घी भी मिला है, घी और क्रीम है, उसके भी सैंपल्स लेने हैं। यूपी विधानसभा से जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया विधेयक पास हो गया। इस विधेयक के तहत शादी के लिए झूठ बोलकर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो लोगों के फर्जी डेबिट और क्रेडिट कार्ड बनाकर उन्हें चूना लगाता था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को धर दबोचा। कम से कम 150 से 200 लोगों को इन्होंने ठगा है, लेकिन यह संख्या और भी ज्यादा होने की आशंका है। आरोप है कि ये सभी शातिर पहले लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारियां हासिल करते और फिर नकली कार्ड बनाकर एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अगर उसमें अगर स्वाइप किया जाता है तो पूरी तरह से आपके अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये वो क्लोनिंग मशीन में स्टोर हो जाती है।